कैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, काफ़ी लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग डालिए, तो आज मैं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, चाहे आपके पार्टनर आपके हस्बैंड हों, चाहे आपके पार्टनर आपकी वाइफ हों, चाहे आपके पार्टनर आपके बॉयफ्रेंड हों, गर्लफ्रेंड हों, या किसी के लिए भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। एनर्जीज़ हम रीड करते हैं, हम जेंडर रीड नहीं करते, सभी के लिए है ये रीडिंग। तो शुरू करते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पाइल्स नहीं है। तो मैं सबसे पहले हमेशा की तरह कुछ कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। इससे हम चेक करेंगे एनर्जी ओरेकल से कि वो आपको लेकर क्या, उनके अंदर एनर्जीज हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इससे हम देखेंगे मेजर अरकाना, क्या मेजर हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन से हम देखेंगे कब तक आपसे बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ कुछ कार्ड्स मैं विचेस टैरो से भी लूँगी आपके लिए नेक्स्ट एक्शन के लिए। उनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे हम मेन टैरो से और उसके बाद हम एंजल गाइडेंस लेंगे। तो एक एक करके मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फटाफट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स, जिनकी भी बात नहीं हो रही है उनके पार्टनर से, क्या चल रहा है उनके पार्टनर के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड आ गया हमारे पास। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ओके और कोई कार्ड आना चाहता है। ओके बॉटम से ले रही हूँ मैं। सो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं उसके कार्ड्स हमने निकाल लिए। क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का आउटकम, क्या होने वाला है आगे, क्या मेजर सोच रहे हैं वो। ओके बॉटम से है जस्टिस से भी मैं ले रही हूँ। फाइन, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, करंट एनर्जी क्या चल रही है। काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं आपसे। लास्ट शफल एंजल्स। बस हो गया। ओके बॉटम ले रही हूँ मैं। करंट एनर्जी जो कार्ड्स आए हैं मैं अरेंज कर दूं। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, नो कॉन्टैक्ट में जो भी हैं उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ, जो भी नो कॉन्टैक्ट में हैं। लास्ट शफल एंजल्स। ओके कब तक बात हो सकती है, कब तक बात हो सकती है।
तो अब इन कार्ड्स को मैं साइड में रख रही हूँ और एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को लेकर आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, अगर आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है, क्या सोच रखते हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। हॉस्टिलिटीज, हैप्पी फैमिली, द सन, डोर टू स्पिरिट, फर्स्ट चक्रा, सिक्स चक्रा, सेवेंथ चक्रा, मजिशियन, हीलर। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको लेकर क्या चल रहा है। उनके दिल दिमाग में एक ही चीज़ है आपको लेकर कि खुद को सेटल करना है, अपना विजन क्लियर करना है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया हो किसी और के लिए, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कोई और पर्सन हो, लेकिन अब उनका विजन क्लियर हुआ है। उनकी आँखों पर जो पट्टी बंधी थी वो हटी है, उनके आगे जो अंधेरा था वो छटा है क्योंकि द सन का कार्ड आया है। बेस चक्र अपना हील कर रहे हैं, आपके लिए एक प्रॉपर बेस तैयार करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हैं, अपने रूट को मजबूत करना चाहते हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे बेस चक्रा हील कर रही हैं, डेफिनेटली अपने आप को मजबूत कर रही हैं, अपने ऊपर बहुत फोकस्ड है, डेफिनेटली इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाहती हैं, अपने वर्क पे बहुत ध्यान दे रही हैं। यहाँ पे क्राउन चक्रा का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे आपको लेकर उनके दिल दिमाग में ये बात है कि आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया है, बहुत टेंशन दिया है, उसका असर आप पर हो रहा है। डेफिनेटली ये भी यहाँ पे गाइडेंस है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोन हुए हैं उस हर्ट की वजह से, जो तकलीफ़ आपने सही है, जो आपने दुख देखे हैं लाइफ में, उसकी वजह से आप स्पिरिचुअली काफ़ी हद तक ग्रोन हुए हैं। मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। डेफिनेटली काफ़ी लोग सोल जर्नी से रिलेटेड हो सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं आप अपने लाइफ में पा जाते हैं, देर सवेर आपको मिल ही जाता है। बल्कि कई बार आपको डाउट भी होता होगा, यार ये तो मैंने बस सोचा था ये कैसे हो गया। ठीक है, सो आपको नहीं पता आपकी पावर्स क्या हैं क्योंकि आप सोल जर्नी में हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। ये चीज़ वो आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि उनके अंदर भी वो एनर्जी है, वो भी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। सो आप दोनों मजिशियन की तरह हैं, जो चाहें वो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा वो आपको लेकर सोचते हैं। एक दूसरे को हील करते हैं आप दोनों, स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा आप, ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे जिस भी सिचुएशन में हैं आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं। सो डेफिनेटली ये चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। अब हम देखेंगे करंट एनर्जी, जो हमने कार्ड्स निकाले हैं करंट एनर्जी के लिए, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, द लवर्स, नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स। सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। 11-11 कार्ड आ गया हमारे पास। टू ऑफ वैंड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो साइंस आए हैं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है सबसे पहले एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल साइंस आर देयर।
यहाँ पे करंट सिचुएशन मैं बता दूं कि आपकी बातचीत आपके पार्टनर से क्यों नहीं हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वो उनके रिश्ते की बात कर रहे हों, शादी से रिलेटेड। कुछ लोगों के पार्टनर्स के पेरेंट्स, मदर फादर, डेफिनेटली उनके रिश्ते की बात कर रहे हैं, उनकी शादी कराना चाहते हैं, उनको सेटल करना चाहते हैं। हो सकता है लड़की देख रहे हों, लड़का देख रहे हों। यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर इन सब सिचुएशन से बहुत घबरा गए हैं, बहुत डर गए हैं और इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या बातचीत बंद कर दी है। लेकिन करंट सिचुएशन में मैं बता दूं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो आपसे बातचीत करेंगे, डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। ऐसा उनके दिल दिमाग में है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, स्पाई कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो आपको खो देंगे। आपसे अभी के लिए मूव ऑन किया है उन्होंने ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से। हो सकता है कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो या स्टेटस डिफरेंस हो। कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर एज गैप हो सकता है, हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके पार्टनर अनमैरिड हो, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो लेकिन आप वहाँ पे खुश नहीं हैं, वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, दो सिचुएशंस हैं। डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो फाइनेंसेस मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से पार्टनर बहुत ध्यान फाइनेंसेस को लेकर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपसे शादी करने के लिए फाइट कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। म्यूचुअल लव है, द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। फैमिली बीच में आ रही है, पेरेंट्स बीच में आ रहे हैं, डिस्कशंस भी कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी फैमिली से आपको लेकर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग पे आपका रियूनियन होना है, एक टफ साइकिल एंड होनी है। लेकिन करंट सिचुएशन में शादी का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि या तो आपके पार्टनर किसी शादी से बाहर निकलना चाहते हैं या तो आपके पार्टनर की शादी फिक्स की जा रही है किसी और के साथ। आपके साथ करना चाहते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे, लेकिन बात ज़रूर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नो कॉन्टैक्ट, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन में क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, कब तक बात हो सकती है? फाइन, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि अभी एट प्रेजेंट आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। सबसे पहले आने वाले टाइम में यहाँ पे अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, यहाँ अगेन टू ऑफ वैंड्स है, दो सिचुएशंस हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली बहुत रिच हो सकती है, पेरेंट्स बहुत रिच हो सकते हैं, किसी तरह का नाम है समाज में, रुतबा है, कुछ लोगों को उसका डर है, सोसाइटी, समाज, ट्रेडिशंस। कुछ लोगों को फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं और यहाँ कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर किसी तरह की एंडिंग करने वाले हैं, दो में से एक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। बहुत हिम्मत करके ये काम उन्हें करना है और वो करने वाले हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन है लेकिन उसमें से एक सिचुएशन ख़त्म होगी। एक तरफ है आप, एक तरफ है आपके पार्टनर की फैमिली, चाहे जो भी हो, थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है उसे वो सैक्रिफाइस करेंगे,
डेथ का कार्ड आया है, एंडिंग करने वाले हैं आने वाले टाइम में। जो भी इनके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है, डेविल, या तो खुद को बदलेंगे या तो जो सिचुएशन आप और इनके बीच में आ रही है उसे ख़त्म करेंगे। ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, उन ऑप्शंस को ख़त्म करेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए, बैलेंस होगी सिचुएशन। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, अगर आपसे बात नहीं भी हो रही है तो भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। सारी चीज़ों से अवेयर हैं, सारी सच्चाइयाँ उनके सामने हैं। आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी को भी सैक्रिफाइस करना पड़े। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 आवर्स, 7 डेज, 7 वीक्स के अंदर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, आगे क्या हो सकता है। हैंग्ड मैन, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, जस्टिस। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपके पार्टनर खुद किसी डेविल एनर्जी में थे, बहुत रूड थे, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, छोटी छोटी बातों पे शक करते थे, या इस तरह का बिहेवियर था, तो वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनका हीलिंग चल रहा है। डेथ का भी कार्ड आया नेक्स्ट एक्शन में, डेफिनेटली खुद को हील करेंगे। किसी सिचुएशन में अगर स्टक हैं तो उस सिचुएशन को एंड करेंगे। जस्टिस का कार्ड है, जैसा कि मैंने अभी आपको नेक्स्ट एक्शन में कहा कि टावर का कार्ड है, थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग करना चाहते हैं, बहुत हिम्मत रख रहे हैं, स्ट्रेंथ में रह के अपने लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। द एम्प्रेस, हो सकता है कि वो उनकी वाइफ हो, हो सकता है वो उनकी मदर हो, उनकी फैमिली हो। यहाँ पे डेफिनेटली लीगल सिचुएशन होने वाली है, अगर मैरिड हैं तो लीगली बाहर आना चाहते हैं उस सिचुएशन से, अगर अनमैरिड हैं तो आपके साथ लीगली मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे ये दो सिचुएशन आने वाली है, आउटकम में आया है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बी असर्टिव, इट्स ए यस कार्ड। यस कार्ड आया है आपके लिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, उन पर असर हो रहा है, ऐसे ही करते रहिए, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। बॉटम से है हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस एंड बी असर्टिव, ये दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो ये थी आज की रीडिंग। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरे चैनल पे ये रीडिंग्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।